हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। टुडे वी विल स्टडी इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर जेके एसएसबी एग्जाम। हम लोग आपका जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका क्या पढ़ना है उसको पहले हम लोग आपका देखेंगे। तो सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आप देखें तो फर्स्ट हम लोग को आपका पढ़ेंगे डीसी मशीन। फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन में हम लोग को पढ़ना है डीसी जनरेटर, और फिर आपका हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर। सेकेंड हम लोग आपका पढ़ेंगे, सेकेंड आपका हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। थर्ड आपका होगा इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में मेनली जो आपको पढ़ना होगा वो आपका होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। फिर उसके बाद हम लोग आपका पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपका पढ़ेंगे सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में हम लोग को पढ़ना है सिंक्रोनस जनरेटर, फिर आपका हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को आपका पढ़ना है स्पेशल मशीन। तो हम लोग आपका पहले इंट्रोडक्शन आपका जो है इससे हम लोग आपका आपका जो है इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि आपका डीसी मशीन में क्या पढ़ना है, आपका ट्रांसफार्मर इंडक्शन सिंक्रोनस में आपका क्या पढ़ना है इसको हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। तो हमने आपका कहा कि आपका डीसी, ये आपका क्या है डीसी मशीन है। ऐसे आपका मशीन चाहे डीसी हो या एसी, मेन कंपोनेंट आपका क्या होता है स्टेटर और रोटर। स्टेटर आपका स्टेशनरी होता है और रोटर रोटेट करता है, ठीक है। स्टेटर पर आपका डीसी मशीन में ये आपका ये क्या है स्टेटर, और स्टेटर पर आपका क्या होता है फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग होता है, और रोटर में आपका आर्मेचर के कोर पर आर्मेचर का कंडक्टर क्या होता है प्लेस्ड होता है, ठीक है। आपका ये वर्क कैसे करता है तो हमने आपका कहा कि कोई भी मशीन होगा उसका मेन कंपोनेंट स्टेटर और रोटर होगा, ठीक है। स्टेटर स्टेशनरी और रोटर रोटेट करेगा। स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग होगा जिसमें अलग से हम लोग सप्लाई कनेक्ट करते हैं, और जो आप सप्लाई कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग आपका कनेक्ट कहते हैं एक्साइटेशन, और जो एक्साइटेशन होता है वो आपका क्या होता है डीसी। तो जब आप फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई आपका कनेक्ट करेंगे, फील्ड वाइंडिंग में आप डीसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और आपका ये फ्लक्स क्या करता है आर्मेचर के कंडक्टर को कट करता है, आर्मेचर के कंडक्टर को कट करता है। और आपका अगर ये जनरेटर होगा, ये आपका क्या है जनरेटर, तो जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं मैकेनिकल इनपुट देते हैं, क्योंकि जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर आपका क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल आपका एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब आप यहाँ पर मैकेनिकल इनपुट देंगे तो रोटर रोटेट करेगा, और रोटर का कंडक्टर जो है ये फील्ड के फ्लक्स जो आपका फील्ड वाइंडिंग से प्रोड्यूस हो रहा है इसको कट करेगा। अब आपका फील्ड वाइंडिंग को आपका का जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको कट करेगा, तो आर्मेचर के कंडक्टर में आपका क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। आर्मेचर के कंडक्टर में क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जो आपका आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका नेचर अल्टरनेटिंग होता है। क्या होता है उसका नेचर अल्टरनेटिंग। अब आपका यह जो यहाँ आपका आर्मेचर के कोर में जो आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस्ड है, यह आपका आर्मेचर का कंडक्टर जो होगा कोई भी आपका क्वाइल हो उसका आपका क्या होगा दो टर्मिनल होता है। कोई भी आपका क्वाइल हो उसका क्या होता है दो टर्मिनल होता है। जैसे हमने आपका क्या किया एक ये क्वाइल आपका जो है हमने फॉर्म किया है, इसके दो टर्मिनल होंगे, और ये दोनों टर्मिनल जो है आपका कनेक्ट रहता है किससे कम्यूटेटर से। ये आपका क्या है कम्यूटेटर, ये आपका कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर से जब आपका कनेक्ट होगा तो क्वाइल आपका क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। क्वाइल आपका क्या होगा क्लोज हो जाएगा, और जो आपका जब आपका क्वाइल क्लोज होगा तो उस क्वाइल में क्या होगा करंट फ्लो होगा, और आपका ये कम्यूटेटर क्या करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में आपका चेंज कर देता है। कम्यूटेटर क्या करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में
चेंज कर देता है। ठीक है, अब आपका यहां पर जो कम्यूटेटर में जो आपका करंट आपका आ रहा है, इस करंट को कलेक्ट करता है कौन? ब्रश। इस करंट को आपका कलेक्ट करता है ब्रश, और ये आपका जो है, ये आपका वायर एक्सटर्नल, ये जो आपका यहां से वायर निकलेगा, ये आपका इधर क्या होता है, लोड से कनेक्टेड रहता है। ये आपका क्या होता है, लोड से कनेक्टेड होता है, यानी लोड में आपका क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यानी लोड में आपका क्या होगा, पावर सप्लाई होने लगेगा। ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि डीसी मशीन में आपका मेन कंपोनेंट स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग है और रोटर पर आर्मेचर वाइंडिंग। जब आप फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन देंगे तो फील्ड का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये फील्ड का फ्लक्स आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा, जिससे क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और आर्मेचर का कंडक्टर का जो टर्मिनल है वो कम्यूटेटर से आपका कनेक्टेड होता है, जिससे वाइंडिंग आपका क्लोज फॉर्म होगा। और आपका वाइंडिंग जब क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, और करंट जो आपका फ्लो होगा उसको आपका ये कम्यूटेटर क्या करता है, अल्टरनेटिंग नेचर से डायरेक्ट नेचर में आपका कन्वर्ट कर देता है, यानी डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और इसको आप, इस करंट को कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, ब्रश के द्वारा। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। अब अगर आप सिंक्रोनस मशीन को आप देखें, तो सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, हमने कहा कोई भी मशीन हो, मेन कंपोनेंट स्टेटर और रोटर है। लेकिन आपका जो है, इसमें हमने आपका कहा कि स्टेटर पर क्या होगा कि आपका, ये आपका स्टेटर का स्लॉट है, और स्टेटर के स्लॉट में इस बार आपका जो है सिंक्रोनस मशीन में क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग। इसमें आपका क्या होगा, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। जबकि रोटर पर आपका, रोटर पर जो होगा ये आपका होगा फील्ड वाइंडिंग। ये आपका क्या है, रोटर, और रोटर पर आपका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो आपका वाइंडिंग होगा इस पर, ये आपका होगा फील्ड वाइंडिंग, ये आपका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये आपका वर्क कैसे करता है अगर आप इसको देखें, तो इसमें आपका क्या होता है, हमने कहा कि आपका कोई भी मशीन होगा, मेन कंपोनेंट स्टेटर, और स्टेटर स्टेशनरी होगा और रोटर रोटेट करेगा। इन सिंक्रोनस मशीन, स्टेटर के स्लॉट में आपका आर्मेचर का वाइंडिंग होता है और रोटर पर फील्ड वाइंडिंग होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन आपका देंगे, यानी फील्ड वाइंडिंग में जो आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे उसको कहते हैं एक्साइटेशन, और वो आपका नेचर क्या होता है, डीसी। जब आप फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन कनेक्ट करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और अगर ये आपका क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर है, तो ये रोटर में आप क्या दिए हैं, मैकेनिकल इनपुट। रोटर में हम लोग आपका क्या दिए हैं, मैकेनिकल इनपुट, और ये मैकेनिकल इनपुट जब आप देंगे तो रोटर क्या होगा, रोटेट करेगा। रोटर आपका रोटेट करेगा, और जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, और ये फ्लक्स आपका रोटेट कर रहा है, तो ये फ्लक्स आपका क्या करेगा, इस बार आपका जो है इस आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा। और जब आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा तो इस आर्मेचर के कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस ईएमएफ को आपका क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे किससे, स्टेटर के टर्मिनल से। अब यहां पर स्टेटर के टर्मिनल पर आपको ईएमएफ मिल गया, अब यहां इस टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, इस टर्मिनल को जैसे ही आप लोड में कनेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, पावर सप्लाई होने लगेगा। ये क्लियर है? जी सर, यस। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे इंडक्शन मोटर। हम लोग अभी तक आपका पढ़े डीसी मशीन, उसके बाद हम लोग पढ़े सिंक्रोनस मशीन। अब आपका इंडक्शन मशीन अगर हम लोग पढ़े, तो हमने कहा मेन आपका क्या पढ़ना होता है इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर हो आपका, इंडक्शन मशीन हो या सिंक्रोनस हो या आपका डीसी हो, मेन कंपोनेंट क्या होता है, स्टेटर, और आपका जो है रोटर। हमने यहां पर कहा कि आपका ये आपका क्या है, इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में आपका ये है स्टेटर वाइंडिंग, ये आपका स्टेटर वाइंडिंग, और ये आपका है रोटर। रोटर जो आपका होता है इंडक्शन मोटर में, वो दो तरह के होते हैं, एक आपका स्क्वायरल केज और दूसरा स्लिप रिंग आपका होता है। ठीक है,
तो ये आपका वर्क कैसे करता है इसको अगर आप देखें, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोटर आपका पड़ रहा है, तो मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। मोटर आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो जब आप यहां पर, यह आपका क्या है, टर्मिनल बॉक्स है जिसमें आप थ्री फेज आपका सप्लाई कनेक्ट करेंगे, ये आपका टर्मिनल बॉक्स है जिसमें आप थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे। जब ये थ्री फेज आप सप्लाई कनेक्ट करेंगे किसमें, इंडक्शन मोटर में, तो ये आपका क्या होगा, स्टेटर के वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हमने क्या कहा, इंडक्शन मोटर में जब आप थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये क्या है, स्टेटर का वाइंडिंग, ये आपका क्या है, स्टेटर का वाइंडिंग, जो ये आप देखेंगे कि ये भी आपको, ये आपका क्या है, स्टेटर का वाइंडिंग। जब आप इसमें थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि आपका स्टेटर के वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस रोटर के कंडक्टर को कट करता है। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, रोटर के कंडक्टर को कट करता है। और जब ये रोटर के कंडक्टर को कट करेगा तो इस रोटर में आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसमें आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब इसके बाद हमने कहा कि रोटर आपका जो इंडक्शन मोटर में यूज होता है वह आइदर आपका स्क्वायरल केज या आपका स्लिप रिंग होगा, और यह आपका स्क्वायरल केज हो या आपका स्लिप रिंग हो, इसमें रोटर का जो कंडक्टर होता है वह आपका शॉर्ट सर्किटेड होता है, रोटर का कंडक्टर क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड। तो हम लोग आपका क्या कह रहे हैं कि जब आप थ्री फेज आपका जो, ये आपका टर्मिनल बॉक्स से आप थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो स्टेटर के वाइंडिंग में आपका क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर को कट करेगा जिसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। हमने फर्दर कहा कि रोटर का कंडक्टर जो है वो क्या रहता है, शॉर्ट सर्किटेड रहता है, जिससे आपका क्या होगा, करेंट इसमें आपका जो है फ्लो होने लगता है। और आप जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर आपका एक टॉर्क डेवलप होता है, जिसके कारण रोटर आपका क्या होगा, रोटेट करने लगता है, रोटर क्या होता है, रोटेट करने लगता है। ठीक है, अब आपका जो है, आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो है इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन और आपका डीसी मशीन में क्या डिफरेंस है। तो आपका जो है, एक आपका डिफरेंस फर्स्ट आपका क्या कहेंगे कि चाहे मशीन सिंक्रोनस हो या आपका डीसी हो, दोनों में एक्साइटेशन का यूज होता है, जबकि आपका इंडक्शन मशीन में एक्साइटेशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब आपका जो है डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन में अगर आप डिफरेंस देखें तो डीसी मशीन में आपका जो है, जो ईएमएफ आर्मेचर के कंडक्टर में आपका ऑब्टेन हो रहा था, उस ईएमएफ को कलेक्ट करने के लिए कम्यूटेटर का यूज हुआ था, और कम्यूटेटर पर जो आपका करंट आ रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए ब्रश यूज हो रहा था, जबकि सिंक्रोनस मशीन में ऐसा कुछ नहीं था। हमने कहा सिंक्रोनस मशीन में क्या था कि आपका जो है स्टेटर पर आपका जो है आर्मेचर का कंडक्टर है, रोटर पर फील्ड वाइंडिंग है, जब आप एक्साइटेशन दे रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है रोटर के फील्ड वाइंडिंग में, और ये फ्लक्स आर्मेचर के कंडक्टर को कट कर रहा है, और आर्मेचर का कंडक्टर क्या है, स्टेशनरी। तो यहाँ जो आर्मेचर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम लोग बिना किसी ब्रश और आपका कम्यूटेटर के हेल्प से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका कलेक्ट कर लें, जो आपका क्या है, मेजर आपका डिफरेंसेस है, यानी मशीन आपका डीसी हो या सिंक्रोनस, उसमें आपका क्या होगा, एक्साइटेशन का यूज होगा। अगर आपका डीसी मशीन होगा तो उसमें ब्रश और कम्यूटेटर एडिशनल आपका यूज होता है, जबकि सिंक्रोनस मशीन में नहीं होता है। नेक्स्ट हमने कहा कि इंडक्शन मशीन में आपका क्या होगा, एक्साइटेशन का यूज नहीं होता है। यहां तक आपका क्लियर है, ये क्लियर है, यस यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, एक स्टेशनरी डिवाइस होता है जो आप अपने आसपास देख सकते हैं। जो आपके स्ट्रीट में ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है कि स्टेप डाउन। स्टेप डाउन
स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ लगता है? सर वो इन इनसाइड होम्स में लगाए थे, वो छोटे ट्रांसफार्मर्स में। नहीं, ट्रांसमिशन में सर स्टेप अप लगता स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जहां पावर आपका जनरेट होता है या जनरेटिंग स्टेशन पर क्या लगता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ठीक है, हमने आपका क्या कहा कि आपका जो कोई भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे स्टेप अप हो या स्टेप डाउन, उसका मेन आपका क्या होगा, आपका ट्रांसफार्मर का कोर। सबसे पहले जो आप आउटर पार्ट देखते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर टैंक। और जब आप इनर में देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर का कोर। ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर। और ट्रांसफार्मर के कोर में आपका जो है वाइंडिंग आपका जो है रैप्ड होता है। जो आपका इनपुट के सप आपका जो है साइड आपका वाइंडिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी, और जो आपका जो है आउटपुट के साइड होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी, उसको आपका कहते हैं सेकेंडरी। तो यहां पर आपका होता क्या है, जब आप प्राइमरी में आपका इनपुट देंगे तो आपका क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और जब आपका करंट फ्लो होगा तो इसमें आपका जो है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप प्राइमरी में जो इनपुट दे रहे हैं उसका वोल्टेज क्या है V1, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा तो आप जानते हैं किसी भी क्वाइल में अगर आपका करंट फ्लो होगा तो उस क्वाइल में क्या होता है, आपका MMF डेवलप होगा, और MMF से फ्लक्स डेवलप होगा, और आपका ये जो फ्लक्स यहाँ पर डेवलप होता है वो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। वो आपका क्या होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। अभी आपका अल्टरनेटिंग नेचर यानी आपका ये जो फ्लक्स है वो चेंज इन फ्लक्स है, और चेंज इन फ्लक्स आपका ये वाइंडिंग को कट करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और जो ईएमएफ आपका इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग आपका प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और ये आपका हमने कहा कि जो फ्लक्स आपका इस क्वाइल में प्रोड्यूस होगा, ये फ्लक्स आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर के कोर के हेल्प से आपका क्या होगा, सेकेंडरी के आपका क्वाइल में आपका लिंक होगा। अब जब सेकेंडरी के क्वाइल में आपका लिंक होगा तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आपका सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपका जो है अगर आपका इस इधर आपका लोड कनेक्टेड होगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपके इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज मिलेगा, और जो आपका वोल्टेज मिलता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, यानी आपका हमने कहा कि स्टेटर के आपका सॉरी आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक स्टेटिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है पावर को फ्रॉम वन सर्किट टू एनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा यहां पर हम लोग आपका ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, आप ये बता सकते हैं ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज आपका ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्यों करते हैं? टू गेट मैक्सिमम वोल्टेज के वोल्टेज नहीं, लेवल चेंज करने के लिए। ट्रांसफार्मर का यूज ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द लॉसेज इन अ ट्रांसमिशन लाइन, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड आपका जो होता है वहां पर लॉसेज होता है, और उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग आपका ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप जो वोल्टेज आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी आप इनपुट में जो दे रहे हैं वोल्टेज वो आपका क्या है 200 वोल्ट, और करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें वो आपका है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, आपका अभी आप ट्रांसफार्मर कनेक्ट नहीं किए, हमने कहा कि एक आपका क्या है ट्रांसमिशन लाइन, और इस ट्रांसमिशन लाइन में आपने क्या किया 200 वोल्ट और 2 एम्पियर कनेक्ट कर दिए। इस ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा, अपना रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सिर्फ समझने के लिए, ये आपका क्या है 10 ओम, ये आपका 10 ओम। अभी आप ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर कनेक्ट नहीं किए हैं, अगर आपसे कहूं कि पावर लॉस इन आपका ट्रांसमिशन लाइन क्या होगा, तो पावर लॉस आपका क्या होता है आई स्क्वायर आर, तो आई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और आर आपका कितना है 10, यानी आपका क्या होगा 4 × 10 यानी 40 वाट।
40 वाट, जबकि आप इनपुट कितना दिए थे? अगर आपका इनपुट निकालें तो 200 × 2 यानी ये आपका क्या था, 400। यस सर, ठीक है, तो इसमें आपका 400 आपका वाट, अगर आपका ऐसे आए ले, मैं अभी हम लोग आपका फेज एंगल पर आपका जो है बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली आपका समझ रहे हैं, हमने क्या कहा कि आप इनपुट में 400 वाट आप दिए, जबकि आपका लॉसेज आपको कितना हो गया इस ट्रांसमिशन लाइन में, यानी इस एंड पर अगर आप 400 वाट आप दे रहे हैं तो 40 वाट का लॉस होकर आपको यहां पर मिलेगा 360। ठीक है, ये आपको 360 मिलेगा। अब आपका क्या करते हैं, इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, आपका करते हैं क्या करते हैं, अप्लाई ट्रांसफार्मर। जब आप ट्रांसफार्मर आपका यूज करेंगे तो होता क्या है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपका वोल्टेज को आपका क्या करे, वोल्टेज और करंट को चेंज कर देगा, यानी वोल्टेज को अगर स्टेप अप करे आपका जो है, वोल्टेज को इधर स्टेप अप करेगा या आपका जो है स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जब आपका जो है अप्लाई करेंगे कहाँ, जनरेटिंग स्टेशन पर, आपका अप्लाई ट्रांसफार्मर एट जनरेटिंग स्टेशन, तो जनरेटिंग स्टेशन पर जब आप ट्रांसफार्मर अप्लाई करेंगे तो वहां पर आप ट्रांसफार्मर जो अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और जब आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है और करंट को स्टेप डाउन कर देता है। ठीक है, अब आप यहां पर एक और चीज हमें बताइए, क्या ट्रांसफार्मर आपका जो है पावर को चेंज करता है, ट्रांसफार्मर नो में जो आपका सर, पावर सप्लाई करेंगे वो पावर को चेंज करता है, नो सर, पावर आपका चेंज नहीं होता, यानी जो पावर आप इनपुट में देंगे वही पावर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में भी नो मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में अगर आपका इतना इनपुट दे रहे हैं और आपका आउटपुट भी उतना ही आपको मिलेगा, तो लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर अप्लाई करेंगे तो पावर में बिना चेंज किए वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा और करंट को स्टेप डाउन कर देगा। यानी आपका यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज आपका, मान लीजिए कि वो आपका ये जो ट्रांसफार्मर है उसको आपका स्टेप अप कर रहा है 400 वोल्ट में और करंट को चेंज कर दे रहा है 1 एम्पियर में। अभी भी आप पावर निकाल कर देखिए तो 400 × आपका क्या है 1, यानी ये क्या है 400 वाट, ये आपका 400 वाट। अब जब आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं उस केस में आप पावर का लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन आपका निकालिए, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन आपका जो है यूजिंग ट्रांसफार्मर, यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो जब ट्रांसफार्मर का यूज करके आपका जो है ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस निकालेंगे तो अब आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट ट्रांसमिशन लाइन में कितना फ्लो हो रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर, और ट्रांसमिशन लाइन का तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं ना होगा, ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस चेंज होगा। सर, बट हम देर विल बी लॉसेज इनसाइड द ट्रांसफार्मर ऑल्सो. लोग यहां पर अभी नॉर्मली आपका समझ रहे हैं, मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि क्या ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस चेंज होगा, नहीं, जो आपका वायर का रेजिस्टेंस होगा वो एज इट इज रहेगा। उस केस में अगर आप क्या यहां पर, यानी रेजिस्टेंस कितना होगा 10, तो अब आपका जब लॉसेज निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 10 वाट। यानी जब ट्रांसफार्मर का यूज नहीं हुआ था उस समय लॉसेज इन ट्रांसमिशन लाइन कितना था 40, और जब आप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो उस समय लॉसेज आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस होकर 10 वाट हो जा रहा है। तो आपका सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का यूज ट्रांसमिशन लाइन में इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द लॉसेज, टू रिड्यूस द लॉसेज। यहां तक क्लियर है, यहां तक सभी का क्लियर है? यस सर, अब आपका हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन आपका जो है टॉपिक से, क्योंकि आपका एक स्टूडेंट है उसका आपका छूटा हुआ है। ठीक है, तो वहां से ऐसे आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी पार्ट में आपका दिक्कत होता है समझने में तो आप हमसे पूछेंगे, अगर आप पूछते नहीं हैं तो मैं कोई आपका भगवान नहीं हूं कि मैं आपको ऑटोमेटिकली जान लूंगा कि आपको यहां पर समझ में
नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए जिस भी आपका पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आता है, आप वहां पर कहेंगे कि ये आपका हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आपका पढ़ेंगे, फर्स्ट लिखिएगा सिंक्रोनस मशीन। हम लोग आपका यहाँ पर हम लोग आपका ऐसे पढ़ेंगे, पहले सिंक्रोनस मशीन आपका पढ़ लेंगे, और सिंक्रोनस मशीन आपका पढ़ने के बाद हम लोग आपका डीसी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। डीसी आपका मशीन, फिर आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से इंडक्शन, ठीक है। डीसी हमने कहा कि सिंक्रोनस मशीन में हम लोग को क्या पढ़ना है, सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर, फिर आपका हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। हम लोग फर्स्ट आपका पढ़ेंगे सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर, और आपका इसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं, अल्टरनेटर। इसमें कुछ पॉइंट हम लोग आपका लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिंक्रोनस जनरेटर्स अगर आपको कुछ ना पूछना हो तो आप अपना जो है माइक को म्यूट कर लेंगे। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप माइक को आपको ऑन करेंगे, क्योंकि आपका जो है उधर से आपका आवाज आता है, ठीक है। हमने आपका कहा, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर। सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर ऑपरेट ऑन द सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल। सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर ऑपरेट ऑन द सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल। सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर हमने आपका क्या कहा कि आपका सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर आपका ऑपरेट करता है सेम फंडामेंटल प्रिंसिपल आपका जो है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिस पर आपका क्या होता है डीसी जनरेटर ऑपरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे कंसिस्ट ऑफ एन आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग एंड अ मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग, मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग। हमने आपका क्या कहा कि आपका सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग, बट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, बट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू इन डीसी
जनरेटर्स, एनडीसी जनरेटर्स, आर्मेचर, रोटेट्स, रोटेट्स एंड फील्ड सिस्टम, फील्ड सिस्टम इज स्टेशनरी, स्टेशनरी। द अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट इन द अरेंजमेंट इन अल्टरनेटर्स, अल्टरनेटर्स इज जस्ट रिवर्स, रिवर्स ऑफ इट। हमने आपका क्या कहा कि आपका सिंक्रोनस जब जनरेटर ऑपरेट्स ऑन द आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हमने कहा कि आपका सिंक्रोनस जनरेटर कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग। अगर आप डीसी मशीन से कंपेयर करेंगे तो इसमें आपका हमने कहा इन डीसी आपका मशीन आर्मेचर आपका वाइंडिंग क्या करता है, रोटेट करता है, जबकि फील्ड का वाइंडिंग स्टेशनरी होता है। ठीक है, फील्ड का वाइंडिंग स्टेशनरी होता है। अगर आपका एसी मशीन में देखेंगे तो एसी मशीन में क्या होता है, जस्ट इसके रिवर्स होता है। हम लोग अभी आपका समझे हैं कि आपका स्टेटर के स्लॉट में आपका क्या होता है, आर्मेचर का वाइंडिंग, और रोटर पर आपका फील्ड वाइंडिंग होता है। यानी आपका क्या कह रहे हैं कि इन आपका सिंक्रोनस जनरेटर स्टेटर पर आर्मेचर का वाइंडिंग होगा और रोटर पर फील्ड का वाइंडिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा अल्टरनेटर कंस्ट्रक्शन, अल्टरनेटर कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। अल्टरनेटर कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग माउंटेड ऑन, स्टेशनरी एलिमेंट, माउंटेड ऑन स्टेशनरी एलिमेंट कॉल्ड स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग्स, फील्ड वाइंडिंग्स ऑन रोटेटिंग एलिमेंट, रोटेटिंग एलिमेंट कॉल्ड रोटर। हमने आपका क्या कहा, अल्टरनेटर कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग माउंटेड ऑन स्टेशनरी एलिमेंट कॉल्ड स्टेटर एंड फील्ड वाइंडिंग ऑन रोटेटिंग एलिमेंट कॉल्ड रोटर। यानी आर्मेचर वाइंडिंग जहां प्लेस होता है वो आपका क्या होता है, स्टेशनरी, और उसको हम लोग कहते हैं स्टेटर। और आपका फील्ड वाइंडिंग कहां प्लेस होता है, रोटर पर, जो आपका क्या होता है, रोटेटिंग। ये आपका क्या है, ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर आपका है, ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस डायरेक्ट, ये आपका क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर। अगर आप इसको फ्रंट व्यू से अगर आप देखते हैं तो हम लोग आपका क्या कह रहे हैं कि मेन कंपोनेंट क्या होगा, स्टेटर। तो ये आपका क्या है, स्टेटर का फ्रेम,
और ये आपका है स्टेटर का कोर, और स्टेटर के कोर में आपका क्या रहता है, आर्मेचर का वाइंडिंग। स्टेटर के कोर में क्या रहता है, आर्मेचर का वाइंडिंग, और ये आपका है रोटर, और रोटर पे ये आपका जो पोल है ये आपका प्रोजेक्टिंग टाइप पोल है। आपका सिंक्रोनस मशीन में जो आपका पोल यूज होता है वो आपका दो, सिंक्रोनस मशीन में जो आपका रोटर यूज होता है वो दो तरह के होते हैं, एक आपका स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर और दूसरा आपका होता है प्रोजेक्टिंग टाइप आपका रोटर, प्रोजेक्टिंग आपका पोल टाइप रोटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो आपका कंस्ट्रक्शन में आपका लिया है वो आपका क्या है, प्रोजेक्टिंग पोल टाइप आपका रोटर है। हमने आपका क्या कहा कि सिंक्रोनस मशीन में मेन कंपोनेंट स्टेटर और दूसरा क्या होगा, रोटर। ये आपका जो आउटर आपका दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर फ्रेम, और ये आपका इनर जो पार्ट आपका दिख रहा है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टेटर का कोर। और स्टेटर का कोर में ये आपको क्या है, स्लॉट आपका फॉर्म है, ये आपका क्या है, स्लॉट आपका फॉर्म है, और इस स्लॉट में आपका क्या होता है, आर्मेचर का वाइंडिंग। उसके बाद हम लोग कहें कि ये आपका क्या है, रोटर, और रोटर पर आपका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगा, रोटर पर आपका क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगा। ठीक है, तो हमने आपका जो है यहाँ पर आपका जो है लिखा है, ये आपका क्या है, स्टेटर का फ्रेम, ये आपका स्टेटर का कोर, और ये आपका ये जो है वो आपका क्या है, एक्साइटर यानी एक्साइटेशन। हम लोग आपका पढ़े हैं कि आपका फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर होगा, रोटर पर, और इस फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग अलग से सप्लाई देते हैं, और जो आप सप्लाई देते हैं उसको कहते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जब फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन आप देंगे तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और ये फ्लक्स आपका क्या करेगा, आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा, जिससे इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ये ईएमएफ आपका क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे किसके हेल्प से, स्टेटर टर्मिनल से। ठीक है, तो हमने आपका लिखा है कि ये आपका है रोटर और ये आपका स्लॉट्स। ठीक है, मैं आपको जब ये पीडीएफ भेजूंगा तो वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ, द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ अ कास्ट आयरन फ्रेम, द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ अ कास्ट आयरन फ्रेम विच सपोर्ट्स विच सपोर्ट्स द आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर हैविंग स्लॉट्स ऑन इट्स इनर पेरिफेरी, ऑन इट्स इनर पेरिफेरी फॉर हाउसिंग द आर्मेचर कंडक्टर्स। हमने आपका क्या कहा, द स्टेटर कंसिस्ट ऑफ अ कास्ट आयरन फ्रेम विच सपोर्ट्स द आर्मेचर कोर हैविंग स्लॉट्स ऑन इट्स इनर पेरिफेरी फॉर हाउसिंग द आर्मेचर कंडक्टर्स। जो हम लोग आपका देख चुके हैं कि ये आपका क्या है, स्टेटर का फ्रेम, ये आपका उसके अंदर आपका जो होगा स्टेटर का कोर, और स्टेटर के कोर में आपका स्लॉट बना रहता है, जिस स्लॉट में आपका क्या करते हैं, आर्मेचर का कंडक्टर प्लेस्ड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, द रोटर इज लाइक, द रोटर इज लाइक अ फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील हैविंग अल्टरनेट नॉर्थ एंड
साउथ पोल्स फिक्स्ड टू इट्स आउटर रिम, आउटर रिम। द मैग्नेटिक पोल्स आर एक्साइटेड फ्रॉम डायरेक्ट करेंट सप्लाई, डायरेक्ट करेंट सप्लाइड बाई अ डीसी सोर्स एट 125 टू 600 वोल्ट्स, 600 वोल्ट्स। हमने आपका क्या कहा, द रोटर इज लाइक अ फ्लाई व्हील हैविंग अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स फिक्स्ड टू इट्स आउटर रिंग। सिंक्रोनस मशीन में जो आपका आपका रोटर होगा वो आपका क्या होता है, फ्लाईव्हील लाइक होता है, जिसमें अल्टरनेट नॉर्थ और साउथ पोल होगा। नेक्स्ट हमने कहा, द मैग्नेटिक पोल्स आर एक्साइटेड फ्रॉम अ डायरेक्ट करेंट सप्लाई बाय अ डीसी सोर्स। जो आपका मैग्नेटिक पोल होगा उसको हम लोग आपका डीसी सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। इसी पॉइंट को आप कंटिन्यू करके लिखिएगा, इन मोस्ट केसेस नेसेसरी एक्साइटिंग, नेसेसरी एक्साइटिंग और मैग्नेटाइजिंग, नेसेसरी एक्साइटिंग और मैग्नेटाइजिंग करेंट इज ऑब्टेंड फ्रॉम अ स्मॉल डीसी शंट जनरेटर, ए स्मॉल डीसी शंट जनरेटर। विच इज बेल्टेड, विच इज बेल्टेड और माउंटेड ऑन द शाफ्ट ऑफ अल्टरनेटर, ऑन द शाफ्ट ऑफ अल्टरनेटर। हमने आपका क्या कहा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपका एक्साइटेशन आपका प्रोवाइड होता है सिंक्रोनस आपका मशीन में, वो आपका क्या होता है, स्मॉल डीसी शंट जनरेटर के द्वारा होता है, जो आपका क्या होता है, शाफ्ट ऑफ अल्टरनेटर से माउंटेड होता है, शाफ्ट ऑफ अल्टरनेटर से माउंटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, व्हेन द रोटर रोटेट्स, व्हेन द रोटर रोटेट्स द स्टेटर कंडक्टर्स द स्टेटर कंडक्टर्स बींग स्टेशनरी बींग स्टेशनरी आर कट बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स, कट बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स। हेंस हेंस दे हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोड्यूस्ड इन देम। हमने क्या कहा कि व्हेन द रोटर रोटेट्स
द स्टेटर कंडक्टर्स बींग स्टेशनरी आर कट बाई द मैग्नेटिक फ्लक्स, हेंस दे हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन देम, प्रोड्यूस्ड इन देम बिकॉज बिकॉज द मैग्नेटिक पोल्स, बिकॉज द मैग्नेटिक पोल्स आर अल्टरनेट अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ, अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ, दे इंड्यूस एन ई एम एफ एंड हेंस करेंट इन आर्मेचर कंडक्टर्स। Which first flows in one direction, and then in other, and then in other. Hence, an alternating. EMF is produced in the stator conductors whose frequency depends on the number of north and south poles moving past a conductor in 1 second, आपका whose direction is given by Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. हमने क्या कहा कि when the rotor rotates, stator conductors being stationary are cut by the magnetic flux. जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो आपका आर्मेचर का कंडक्टर जो आपका कहाँ पर है, स्टेटर पर, उसके वो कट करेगा। और जब आर्मेचर का कंडक्टर जो है वो आपका फ्लक्स जो है आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हमने क्या कहा कि जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो आपका रोटर पर में जो फील्ड वाइंडिंग है उसके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्लक्स आपका आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा जिससे उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हमने फर्दर कहा बिकॉज द मैग्नेटिक पोल्स आर अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ दे इंड्यूस एन ईएमएफ एंड हेंस करेंट इन आर्मेचर कंडक्टर्स। हमने कहा कि जो मैग्नेटिक पोल आपका रोटर पर रहता है
है वो आपका क्या होता है, अल्टरनेट नॉर्थ एंड साउथ, जिसके कारण आपका क्या होगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अब आर्मेचर के कंडक्टर में जब आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका पाथ आपका क्लोज होगा तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट आपका फ्लो होगा। और जो आर्मेचर के कंडक्टर में आपका करंट फ्लो होगा वो करंट आपका क्या होगा, अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, वो आपका क्या होगा, अल्टरनेटिंग इन नेचर। हमने आपका कहा कि जो आपका करंट आपको मिल रहा है आर्मेचर के कंडक्टर में उसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स मूविंग पास्ट अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो आपका होगा उसका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स पर और हुज डायरेक्शन इज गिवेन बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मतलब हमने क्या कहा कि आपका जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो रोटर पर फील्ड वाइंडिंग है और फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होगा क्योंकि आप उसको एक्साइटेशन दिए हैं, और ये फ्लक्स आपका आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगा जो स्टेटर पर क्या है, स्टेशनरी है, उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अगर आपका आर्मेचर के कंडक्टर से आपका क्या होगा, लोड कनेक्टेड होगा तो पाथ क्लोज होगा, और पाथ क्लोज होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा, और जो करंट आपका फ्लो होता है वह आपका अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। ठीक है, हमने कहा कि जो आपका करंट फ्लो हो रहा है या आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो आप उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पोल्स कितना है। ठीक है, और हमने आपका फर्दर कहा कि इसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यहां तक क्लियर है? यस सर, यस सर। एक पॉइंट हम लोग आपका लिखेंगे, हम लोग आपका स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, डीसी मशीन और आपका सिंक्रोनस मशीन, वहां पर हम लोग एक कंपैरिजन आपका पढ़ रहे थे। हमने आपका कहा कि इन डीसी मशीन जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसको आपको कलेक्ट करने के लिए क्या जरूरत थी, कम्यूटेटर और आपका फिर ब्रशेस। ठीक है, जबकि आपका एसी यानी सिंक्रोनस मशीन जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका क्या होगा, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो आप लिखिएगा एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ हैविंग स्टेशनरी आर्मेचर आर्मेचर एंड और रोटेटिंग फील्ड सिस्टम, रोटेटिंग फील्ड सिस्टम्स। हम लोग आपका सिंक्रोनस मशीन में आपका क्या देख रहे हैं कि आर्मेचर क्या होता है, स्टेशनरी, और आपका फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, रोटेट करता है। तो इसके आपका क्या एडवांटेजेज हैं, फर्स्ट में आप लिखिएगा, फर्स्ट में आप लिखिएगा द आउटपुट करेंट कैन बी, द आउटपुट करेंट कैन बी लेड डायरेक्टली फ्रॉम फिक्स्ड टर्मिनल्स, फ्रॉम फिक्स्ड टर्मिनल्स ऑन द स्टेटर, ऑन द स्टेटर। हमने आपका क्या कहा कि जो आउटपुट करंट आपका होगा उसको डायरेक्टली आपका फिक्स्ड टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, स्टेशनरी। नेक्स्ट आप लिखेगा इट इज इजियर टू इंसुलेट, इट इज इजियर टू इंसुलेट इंसुलेट स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग
स्टेशनरी, आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग फॉर हाई एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेजेस। हमने आपका क्या कहा कि अगर आर्मेचर वाइंडिंग आपका स्टेशनरी होगा तो उसको आप आसानी से इंसुलेट कर सकते हैं फॉर अ हाई वोल्टेजेस, फॉर अ हाई वोल्टेजेस। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपका फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिखिएगा स्टेटर फ्रेम, स्टेटर फ्रेम। इसमें लिखिएगा इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द आर्मेचर, द आर्मेचर स्टैम्पिंग्स एंड वाइंडिंग्स। हमने आपका क्या कहा कि आपका स्टेटर फ्रेम आपका का क्या करता है, तो इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग आर्मेचर एंड वाइंड, आपका आर्मेचर स्टैम्पिंग्स एंड वाइंडिंग्स, आर्मेचर स्टैम्पिंग्स एंड वाइंडिंग। हम लोग आपका इसका कंस्ट्रक्शन जब हम लोग आपका देखे थे तो वहां हमने कहा कि जो आउटर आपका ये पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटर फ्रेम। और स्टेटर फ्रेम आपका क्या करता है, ये कवरिंग प्रोवाइड करता है, ये आपका क्या होता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर आपका क्या होता है, आर्मेचर का स्टैम्पिंग, यानी आपका ये स्टेटर का कोर, जिसके आपका स्लॉट में क्या रहता है, वाइंडिंग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट आपका लिखिएगा स्टेटर कोर, स्टेटर कोर। इसमें लिखेगा द आर्मेचर कोर, द आर्मेचर कोर इज सपोर्टेड, द आर्मेचर कोर इज सपोर्टेड बाय द स्टेटर फ्रेम, बाय द स्टेटर फ्रेम एंड इज बिल्ड, एंड इज बिल्ट अप ऑफ लेमिनेशंस, लेमिनेशंस ऑफ स्पेशल मैग्नेटिक आयरन, मैग्नेटिक आयरन और स्टील एलवाई, स्टील एलवाई। द कोर इज लेमिनेटेड, द कोर इज लेमिनेटेड टू मिनिमाइज, मिनिमाइज लॉस ड्यू टू एडी करेंट्स, एडी करेंट्स। हमने आपका क्या कहा कि द आर्मेचर कोर इज सपोर्टेड बाय द स्टेटर फ्रेम, आर्मेचर कोर को सपोर्ट आपका कौन करता है, स्टेटर फ्रेम, एंड इज बिल्ट अप ऑफ लेमिनेशंस ऑफ स्पेशल मैग्नेटिक आयरन और स्टील एलवाय। स्टेटर का कोर आपका क्या होता है, स्टील वा एलवाय या आपका स्पेशल मैग्नेटिक आयरन का बना होता है। हमने आपका कहा कि स्टेटर कोर आपका क्या होता है, लेमिनेटेड होता है टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू एडी
करेंट्स, लॉस ड्यू टू एडी करेंट्स। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे रोटर। रोटर इसमें आपका लिखेगा टू टाइप्स ऑफ रोटर आर यूज्ड, टू टाइप्स ऑफ रोटर आर यूज्ड इन अल्टरनेटर्स। अल्टरनेटर्स हमने आपका क्या कहा कि अल्टरनेटर में दो तरह के आपका रोटर यूज होते हैं। फर्स्ट में आप लिखेगा सेलियंट पोल टाइप, सेलियंट पोल टाइप, और सेकंड में आप लिखेगा स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप, स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। हमने क्या कहा कि आपका सिंक्रोनस आपका जो है जनरेटर में या अल्टरनेटर में दो तरह के आपका रोटर यूज होते हैं, एक आपका सेलियंट पोल टाइप और दूसरा स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेलियंट पोल टाइप और प्रोजेक्टिंग पोल टाइप। सेलियंट पोल जिसको हम लोग आपका प्रोजेक्टिंग पोल भी कहते हैं, प्रोजेक्टिंग पोल टाइप, सेलियंट पोल टाइप और प्रोजेक्टिंग पोल टाइप। ये आपका क्या है सेलियंट पोल टाइप या प्रोजेक्टिंग पोल टाइप रोटर है। इसको अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका रोटर है और रोटर पे ये आपका क्या है प्रोजेक्टेड आपका पोल है, ये आपका क्या है प्रोजेक्टेड पोल है, ठीक है, जिसमें आपका क्या है ये वाइंडिंग आपका वरेप्ट है। जो आपका वाइंडिंग वरेप्ट है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं फील्ड वाइंडिंग, ये आपका क्या है फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं ये आपका है पोल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग, और ये जो आपका ऊपर आपका लगा हुआ है इसको हम लोग आपका कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग। और ये आपका डैम्पर वाइंडिंग क्यों आपका यूज होता है आगे हम लोग आपका पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस मशीन में आपका डैम्पर वाइंडिंग का क्या यूज है, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिखिएगा इट इज यूज्ड इन लो एंड मीडियम स्पीड अल्टरनेटर्स, इट इज यूज्ड इन लो एंड मीडियम स्पीड अल्टरनेटर्स। हमने आपका क्या कहा कि प्रोजेक्टिंग पोल टाइप या आपका सेलियंट पोल टाइप रोटर का यूज कहाँ पर पड़ते हैं, जहां पर आपका स्पीड लो और आपका मीडियम हो। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेगा इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्टिंग पोल्स, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्टिंग पोल्स, प्रोजेक्टिंग पोल्स हैविंग देयर कोर्स बोल्टेड ऑन टू अ हेवी
मैग्नेटिक फील्ड, हेवी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील ऑफ गुड क्वालिटी। हमने क्या कहा कि सेलियंट पोल टाइप या आपका प्रोजेक्टिंग पोल टाइप हैज लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्टिंग पोल्स हैविंग देयर कोर्स बोल्टेड ऑन टू अ हेवी मैग्नेटिक व्हील ऑफ कास्ट आयरन। ये आपका क्या है, सेलियंट पोल है, जिसमें हमने कहा कि ये आपका क्या है, व्हील है, जो आपका किसका बना है, हम लोग आपका क्या कर रहे हैं, व्हील ऑफ कास्ट आयरन या स्टील से आपका बना होगा, जिसमें ये आपका क्या है, प्रोजेक्टिंग पोल है, जो ये आपका क्या होता है, इससे बोल्टेड आपका रहता है, ये आपका क्या रहता है, बोल्टेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखिएगा, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ, इट हैज अ लार्ज, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इट हैज लार्ज डायमीटर्स, इट हैज अ लार्ज डायमीटर्स एंड शॉर्ट एक्सियल लेंस, शॉर्ट एक्सियल लेंस। हमने आपका क्या कहा कि आपका सेलियंट पोल टाइप जो रोटर होगा उसका डायमीटर क्या होगा, लार्ज होगा, और एक्सियल लेंथ आपका स्मॉल होगा, आपका एक्सियल लेंथ क्या होगा, स्मॉल, मतलब ये आपका हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका अगर आप डायमीटर आप निकालेंगे तो ये आपका डायमीटर क्या होता है, इसका लार्ज होता है, जबकि आपका एक्सियल लेंथ आपका क्या होगा, यानी कि लेंथ ऑफ आपका रोटर जो है वो आपका क्या होता है, स्मॉल होता है, किसमें, सेलियंट पोल टाइप आपका रोटर में, सेलियंट पोल टाइप रोटर में। हमने कहा इट हैज लार्ज डायमीटर्स एंड शॉर्ट एक्सियल लेंथ्स, द पोल्स एंड पोल शूज, द पोल एंड पोल शूज आर लेमिनेटेड टू मिनिमाइज हीटिंग ड्यू टू एडी करेंट्स, ड्यू टू एडी करेंट्स। हमने आपका क्या कहा कि आपका जो सेलियंट पोल टाइप है उसमें उसके पोल और पोल शूज दोनों आपका क्या रहते हैं, आपका लेमिनेटेड रहता है, लेमिनेटेड आपका रहता है टू मिनिमाइज एडी करेंट, टू मिनिमाइज एडी करेंट। हमने यहाँ पर ये जो आपका प्रोजेक्टिंग पोल या सेलियंट पोल टाइप है जिसमें ये आपका जो स्प्रेड पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं पोल शू, जो स्प्रेड पार्ट है इसको क्या कहते हैं, पोल शू, और ये आपका क्या है, इसको कहते हैं पोल कोर, ये आपका क्या होगा, पोल कोर। तो हमने आपका क्या कहा कि इन सेलियंट पोल टाइप आपका रोटर, रोटर का डायमीटर क्या होगा, लार्ज होगा, और उसका एक्सियल लेंथ आपका स्मॉल होता है, पोल और पोल शूज जो होता है वो दोनों आपका क्या होता है, लेमिनेटेड रहता है टू मिनिमाइज आपका एडी करेंट, टू मिनिमाइज एडी करेंट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेगा, इन लार्ज मशीन, इन लार्ज मशीन, इन लार्ज मशीन्स फील्ड वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉपर स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप वाउंड ऑन एज, वाउंड ऑन एज। हमने आपका क्या कहा कि अगर आपका मशीन लार्ज होगा तो उस केस में आपका जो वाइंडिंग आपका होता है फील्ड का
वो आपका कॉपर का यूज करते हैं, जिसका शेप आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। यहां तक क्लियर है सभी का? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। हमने आपका क्या कहा कि सिंक्रोनस मशीन में जो आपका रोटर यूज होता है वो दो तरह के होते हैं, एक आपका सेलियंट पोल टाइप और दूसरा आपका स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। जिसमें हमने कहा सेलियंट पोल टाइप का डायमीटर क्या होता है, लार्ज, और एक्सियल लेंथ स्मॉल होता है। नेक्स्ट आपका लिखेगा स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन ड्रीवन अल्टरनेटर, इट इज यूज फॉर स्टीम टर्बाइन ड्रीवन अल्टरनेटर्स, अल्टरनेटर्स दैट इज टर्बो अल्टरनेटर्स। टर्बो अल्टरनेटर्स विच रन एट, विच रन एट वेरी हाई स्पीड। हमने आपका क्या कहा कि स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप आपका रोटर जो है वो यूज होता है आपका स्टीम टरबाइन में ड्रिवन अल्टरनेटर्स, जो आपका क्या होगा उसको हम लोग टर्बो अल्टरनेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, विच रन एट वेरी हाई स्पीड, यानी स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर का यूज हम लोग वहीं पर करेंगे जिस मशीन का, जो मशीन आपका क्या होगा वेरी हाई स्पीड पर ऑपरेट करता होगा। ये आपका क्या है स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप आपका रोटर है, ये आपका क्या है स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप रोटर है, जिसमें आप देखिए कि आपका जो है फर्स्ट आपका जो है इसमें रोटर में क्या है स्लॉट आपका फॉर्म्ड है, और स्लॉट में आपका क्या होगा फील्ड वाइंडिंग प्लेस होगा, स्लॉट में आपका क्या होगा फील्ड वाइंडिंग आपका प्लेस होगा। अब ये फील्ड वाइंडिंग में जो हमने क्रॉस और डॉट आपका जो है शो किया है, इसका मतलब आपका क्या होता है फील्ड का फ्लक्स जो है इसमें आपका क्या होगा, ये जो आपका वाइंडिंग होगा इसमें डाउनवर्ड होगा, जबकि ये वाइंडिंग में क्या होगा अपवर्ड होगा, ये आपका क्या होगा अपवर्ड होगा। तो ये आपका क्या है स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर है जिसके स्लॉट में आपका फील्ड वाइंडिंग है, और आपका क्या है अल्टरनेट इसमें पोल है जो हम लोग आपका देख सकते हैं साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ। ठीक है, कुछ पॉइंट हम लोग इसमें आपका नोट डाउन करेंगे, लिखिएगा फर्स्ट, फर्स्ट पॉइंट इसमें आप लिखिएगा द रोटर कंसिस्ट ऑफ, द रोटर कंसिस्ट ऑफ अ स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंडर, द रोटर कंसिस्ट ऑफ ए स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंडर हैविंग अ नंबर ऑफ स्लॉट, हैविंग अ नंबर ऑफ स्लॉट्स माइल्ड आउट, माइल्ड आउट
एट इंटरवल्स, इंटरवल्स अलोंग द आउटर पेरिफेरी, अलोंग द आउटर पेरिफेरी। फॉर एकोमोडेटिंग फील्ड कॉइल्स, एकोमोडेटिंग फील्ड कॉइल्स। हमने क्या कहा कि द रोटर कंसिस्ट ऑफ ए स्मूथ सॉलिड स्टील सिलेंडर हैविंग अ नंबर ऑफ स्लॉट्स माइल्ड आउट एट इंटरवल्स अलोंग द आउटर पेरिफेरी फॉर एकोमोडेटिंग फील्ड कॉइल्स। आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ए स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर है जो आपका क्या है अल्टरनेट, इसमें आपका जो है स्लॉट आपका फॉर्म है जिसमें क्या किए हैं फील्ड का क्वाइल प्लेस्ड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, इट हैज ए स्मॉल डायमीटर्स, ए स्मॉल डायमीटर्स एंड वेरी लॉन्ग एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ। हमने आपका कहा कि स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर में जो आपका रोटर का डायमीटर होता है ये आपका क्या होता है स्मॉल आपका जो होता है, लेकिन इसका एक्सियल लेंथ आपका क्या होता है लार्ज होता है, इसका एक्सियल लेंथ आपका क्या होगा लार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेगा, द सिलिंड्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर, द सिलिंड्रिकल कंस्ट्रक्शन द सिलिंड्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटर गिव्स बेटर बैलेंस, गिव्स बेटर बैलेंस एंड क्वाइटर ऑपरेशन, क्वाइटर ऑपरेशन एंड ऑल्सो लेस विंडेज लॉसेज, लेस विंडेज लॉसेज। हमने आपका क्या कहा कि सिलिंड्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर जो है वो आपका वेटर बैलेंस और आपका जो है क्वाइटर ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इसमें आपका विंडेज का लॉसेज क्या होता है स्मॉल होता है। यहां तक सभी का क्लियर है? आप में से किसी को डाउट है यहाँ? नो सर, प्लीज। ठीक है, इसके आगे हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यस सर, ठीक है, थैंक यू।